नहीं, मैं बिहार से हूँ और फिल्म देखी है, फिल्म बहुत अच्छी लगी मेरे ख्याल से। किसी भी फिल्म को प्रमोट करने का या उसका हिस्सा होने की लालच सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि फिल्म अच्छी है और ये प्रतिभाशाली नौजवान, ये और भी अच्छी फिल्में बनाएंगे अपनी ज़िंदगी में, मगर शुरुआत बहुत अच्छी की है इन्होंने। सो जस्ट टू पुश इट फॉरवर्ड, जस्ट टू एनकरेज मोर एंड मोर पीपल टू वॉच दिस फिल्म विच आई हैव सीन एंड एन्जॉयड एंड आई रिमेंबर ऑल्दो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सॉ इट। That's the reason for me being here. नाम भी आपने एक तरह से once upon a time in मुंबई था, अब आपने once upon a time नहीं, once upon a time in मुंबई नहीं था। ऐसे 257 फिल्में और टीवी सीरीज हैं, 257 वो एक एनालिटिकल आप बता रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन नहीं, वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका है, वंस अपॉन अ टाइम इन मेक्सिको है, शायद आपको नहीं पता होगा। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई तो एक फिल्म है, लगान का नाम था वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया, उसका टैगलाइन था। उसी तरह वंस अपॉन अ टाइम इन मेक्सिको, अमेरिका, अफ्रीका, एनाटोलिया, कितने हैं, 257 है IMDb पे मैंने चेक किया। मालूम था ये सवाल पूछा जाएगा। इंडिया जी, ये पर्सनल राय आपकी जानने चाहूंगी कि लोग आते हैं यहाँ पर, कई सिटीज से आते हैं, लेकिन बिहार के लोगों को टारगेट किया जाता है पॉलिटिशियंस के, जब इलेक्शन होता है। सिर्फ बिहार के लोगों को टारगेट नहीं किया जाता है, बिहार और यूपी के लोगों को, कुछ सालों पहले साउथ इंडियंस को भी बहुत टारगेट किया जाता था। सो इट्स ऐसा नहीं है कि ये जो है ये सिर्फ बिहारियों के लिए है, मगर जो देखने वाली बात ये है कि आप लोग खुद भी देख लो मीडिया में कितने सारे लोग हैं जो बिहार से आते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। सो आई थिंक वो जो लोग हैं जो बिहार से आए मेरी तरह और अब बाहर हैं बिहार से, कहीं भी हो दुनिया में, उनके लिए और भी ज़्यादा रेलेवेंट है ये फिल्म। नीतू को कितना प्यार मिला, सब देखिए ना, बिहार से हम सब बिहार से हैं असली में, जितने कास्ट एंड क्रू, आपको कितना मिला इम्तियाज़ जी को। सो इम्तियाज़ हैज बीन अ लीडर फ्रॉम बिहार, बेसिकली हमारे से पहले जाके बहुत चले हैं, तो वी आर लॉट ऑफ पीपल कमिंग एंड वी आर ट्राइंग टू डू बेस्ट। All this is all of your film fraternity, और उस पर कई फिल्में भी बनी इस टॉपिक पे। The dance bars in Mumbai will be reopening. अच्छा जी, हाई कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट फैसला है, क्या विचार हैं आपके? सी, आई डांस बार्स ओपनिंग इन बॉम्बे, मतलब आई फील पॉजिटिवली अबाउट इट। मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दे अर्न देयर लाइवलीहुड आउट ऑफ समथिंग, सो कोई भी चीज़ जो लाइवलीहुड दे रही है लोगों को वो बंद हो जाती है तो एक तरह से बुरा लगता है। तो ये, हालांकि मुझे पता है कि ये इसके ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है डांस बार्स, बट मुझे लग रहा है कि एक साधन जो लोगों का बंद हो गया था वापस खुल जाएगा, मैं तो इस बारे में खुशी हूँ।